अरे महाभारत के युद्ध में दोस्तों अर्जुन और कर्ण का जंग सुनो। कवि लड्डन सिंह क्या लिखते हैं कलम में भरी उमंग सुनो। कैसट का वादा कैसट घर घर तक पहुंचाएंगे। संगीत के बेताज बादशाह अपना संगीत बजाएंगे। आदरणीय बुजुर्ग द्वार नौजवान साथियों, आवाज को सुनती देवी का स्वरूप मात्र शक्ति, आइए आपके सामने सोनोटेक कैसेट के माध्यम से पेश है किस्सा कर्ण और अर्जुन का युद्ध, जिसके गायक कलाकार मां से सतपाल दोसा, मैनपाल बसेड़ा हरिद्वार और संगीत पे जाने माने कलाकार साथ दे रहे हैं, मास्टर हंसराज, बस्तीराम तूफान और एंड पार्टी। दोस्तों, महाभारत के युद्ध में जब गुरु द्रोणाचार्य युद्ध भूमि में काम आ जाते हैं तो सेनापति का ओहदा खाली हो जाता है। शाम को दुर्योधन, मामा शकुनी और कर्ण अपने सलाहकार इनको मानता है, मशवरा करता है कि अब सेनापति के रूप में किसको पेश किया जाए। हमारी हार लगातार होती जा रही है, हमारी सेना लगातार पांडवों के हाथों मरती जा रही है, अब क्या किया जाए। तो कर्ण एक बात के द्वारा अपने उस मित्र दुर्योधन से कहता है कि भाई साहब, आपके लिए मेरा मशवरा पहले भी रहा है और अब भी है, लेकिन मेरी एक शर्त होगी। सेनापति के रूप में तो कल मैं अवश्य लड़ूंगा, लेकिन आपको मेरी एक शर्त स्वीकार करनी होगी। और एक बात के द्वारा क्या कहने लगा, बोले अरे जो 15 दिन में नहीं बना बन जा, तेरे मन की चाही कर दूंगा जो मेरा सारथी। सल बन जा, तेरे मन की चाही कर दूंगा जो मेरा सारथी। सल बन जा, जो 15 दिन में नहीं बनिया वो काम तुम्हारा कल बन जा। तेरे मन की चाही कर दूंगा जो मेरा सारथी। सल बन जा, तेरे मन की चाही कर दूंगा जो मेरा सारथी। सल बन जा। सही सारथी सलमानू दूरी योधन, मेरे ख्याल से मैं तेरी आग में कूदूंगा जल। योधन जान माल से मैं एक क्या 10-20 लाख भी रोकिना मरूं भाल से मैं। तू 3 दिना की के कह रहा सुन, 6 दिन लड़ू काल से मैं। तेरे मन की चाही कर दूंगा जो मेरा सारथी। सल बन जा, तेरे मन की चाही कर दूंगा जो मेरा।
सारथी सल बन जा। कर्ण बलि के पास बैठ कर दुर्योधन मन भारी ना, माड़े मन से मेरे आगे बात कह तू हारी ना। जो होनी थी होली आगे हो अब हार हमारी ना। बाबा भी समय द्रोण मरे पर मर्या कर्ण बलकारी ना। लाल लहू से दत्तल क्या दूरी, योधन अतल वितल बन जा। तेरे मन की चाही कर दूंगा जो मेरा सारथी सल बन जा। तेरे मन की चाही कर दूंगा जो मेरा सारथी सल बन जा। सारथी सल्ले बनाए सलातन हर बार दऊं, कल चार बजे से पहले पहले सारा तारे उधार दऊं। उन पांडो से युद्ध तेरी कर इच्छा के अनुसार दऊं। कह जीव ते लऊं पकड़ के कह जान से मार दऊं। कारण के करण बलि सुन मोती का फंदा अटल बन जा। तेरे मन की चाही कर दूंगा जो मेरा सारथी सल बन जा। तेरे मन की चाही कर दूंगा जो मेरा सारथी सल बन जा। नवचर जलचर थलचर सब आ दीन कर्म के रहते हैं। ईश्वर का कुछ दोषी नहीं दुख सुकर्मों का सहते हैं। डूबे कुछ और कुछ तीरते कुछ बीच धार में बहते हैं। लड्डन सिंगी राजबल दोनों बात आखिरी कहते हैं। और सुकेले सो साले काटी और तुका भारी पल बन जा। तेरे मन की चाही कर दूंगा जो मेरा सारथी सल बन जा। तेरे मन की चाही कर दूंगा जो मेरा सारथी सल बन जा। जो 15 दिन में नहीं बनया वो काम तुम्हारा कल बन जा। तेरे मन की चाही कर दूंगा जो मेरा सारथी सल बन जा। तेरे मन की चाही कर दूंगा जो मेरा सारथी सल बन जा। इस तरह से प्रेमी दोस्तों मददगारों की और सलाहकारों की सलाह मिलती है। और करण बलि तो स्पष्ट रूप से कह देते हैं कि युद्ध को 3 दिन के अंदर अवश्य आपकी जीत करा दूंगा युद्ध में, अगर मेरा साथी सल बन जाए तो। दोस्तों दुर्योधन के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि उनकी सेना में थे राजा सल्ले, मामा तो पांडवों के थे, लेकिन वो दुर्योधन की तरफ से युद्ध के मैदान में थे। तो दुर्योधन राजा सल्ले के पास में उनके शिविर में पहुंचता है और दोनों में किस तरह से बात होती है आइए सुनते हैं। करण बलि के बनो सारथी दुर्योधन आया से तुझे सूत पुत्र का रत हाकण को यू राजा सल पाया से। करण बलि के बणो सारथी न्यू दुर्योधन आया से तुझे सूत पुत्र का
हमारा भला इस काम में होता हो, हमारी जीत होती हो, तो आपको सारथी बनने में क्या दिक्कत है? सारथी तो मैं बन सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त होगी। वो आपकी माननीय होगी, सुनिए सुना दो। अरे तेरे बिना समझ के कह बैठा है महारथियों में नाम मेरा का, बात समझ के कह बैठा है महारथियों में नाम मेरा। अरे 15 दिन से उन पांडों ने जीना करा हराम मेरा। हरण नीत का बनू सारथी मान घटे ये बात हमारी माननी होगी। हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप करण बलि के साथ बनो। हां जी, तू मुझे मेरी बात को नहीं समझता। मैं जो है युद्ध मैदान में साथ जरूर बनूंगा, लेकिन एक बात माननी होगी। अरे मुझको मानो गरीब मार दिया बिन मारे, दुर्योधन तेरी बातों ने मैं तो मार दिया बिन मारे। हाथ जोड़ के थारे सामने खड़े कर ले सारे, तुम एक काम को छोड़ कर आओ जो बस का काम हमारे, एक काम को छोड़ कर आओ जो बस का काम हमारे। तुम रथांकन की ताली करो, तुम रथांकन की ताली करो, मेरी सुन के कंपे काया से। सूत पुत्र का रथांकन को युराजा तल पाया से, कर्ण बलि के बनो सारथी न्यू दुर्योधन आया से। सूत पुत्र का रथांकन को युराजा तल पाया से। धरता दिल मोम हुआ जा बात मान ली तेरी, मेरा पत्थर सा दिल मोम हुआ जा बात मान ली तेरी। मन मान गया दुर्योधन का मेरी होनी जीत सवेरी,
यू करत रहेगी मेरी, मुझे करण सारथी नहीं कह यू करत रहेगी मेरी। बुद्धि से भी यू रह परे तेरी जगदम्बे माया से, मुझे सूत पुत्र का रथ आकर को यू राजा तल पाया से, करण बलि के पणो सारथी न्यू दुर्योधन से। दोस्तों मामा शल्य दुर्योधन की बात मान लेते हैं, लेकिन कहते हैं कि मेरी शर्त यह है कि मुझको कोई सारथी ना कहे, क्योंकि राजा थे वो भी बलवान थे। राजा शल्य को सारथी बना करके सेनापति के रूप में कर्ण लड़ने की तैयारी करते हैं। दोस्तों कृष्ण जी को तो सब बात का ज्ञान था, वो हर तरह से अर्जुन को कर्ण से बचाना चाहते हैं, और इंद्र की दी हुई शक्ति उस अमोघ शक्ति को बेकार कराना चाहते हैं। इसलिए अर्जुन से कहते हैं अगले दिन के युद्ध में कि अर्जुन आज हम इस बात की ट्राई करेंगे कि सेनापति के रूप में आज कर्ण को पहली बार देख रहे हैं, किस तरह से लड़ाई लड़ते हैं, और लड़ने के लिए हम आज घटोत्कच को करण के सामने पेश करते हैं। दोस्तों घटोत्कच ने बहुत सेना मार गिराई, दुर्योधन करण बलि से कहते हैं कि करण इसको मार दीजिए वरना ये तो हम सबको मार डालेगा। कहते हैं कि एक शक्ति मेरे पास में है जो अर्जुन के लिए बचाकर रखी हुई है, ये उसको तो जब चलाओगे आप, अब जब बच पाओगे घटोत्कच से। दोस्तों लड़ाई बहुत ही भयंकर थी, घटोत्कच की उस अमोघ शक्ति को कर्ण घटोत्कच पर चला देते हैं। घटोत्कच का अंतिम समय था, समय बलवान होता है, श्री कृष्ण जी अर्जुन को बचा लेते हैं, और अगले दिन के युद्ध में मामा शल्य से सेनापति कर्ण बलि कहते हैं कि मेरे रथ को मामा अर्जुन के सामने ले चलिए, और किस तरह से क्या कहते हैं। और बार बार तने करण कहे क्यों बात मेरी ना सुनते, सल्ले अब मत देर करे रथ मिला मेरा अर्जुन ते, सल्ले अब मत देर करे रथ मिला मेरा अर्जुन ते। बार बार तन करण कहे क्यों बात मेरी ना सुनते, सल्ले अब मत देर करे रथ मिला मेरा अर्जुन ते, सल्ले अब मत देर करे रथ मिला मेरा अर्जुन ते। अभिमान की है अर्जुन से लड़ने की, सल्ले सलाह करण बलवान की है, सलाह करण बलवान की है। आज नहीं बस पहले से ही बात मेरी ऐलान की है, मेरी और अर्जुन की सल्ले बाजी जान जान की है, बाजी जान जान की है। अर्जुन कृतन बेशक है हो, अर्जुन कृतन बेशक है चल कम सब जना उनते, सल्ले अब मत देर करे रथ मिला मेरा अर्जुन ते। एकदम घोड़े तेज करो अब के काम डरन
परण का छत्री वीर परण का एक गांव पुराना है सल्ले आज आ गया टेन भरण का मन रांड द्रोपती करनी है हो पूरा परण करण का पूरा करण परण का दिल के दर्द दूर हो जा हो दिल के दर्द दूर हो जा दिन बहुत हुए सिर धुनते सल्ले अब मत देर करे रथ मिला मेरा अर्जुन से धरती अंबर दहलावे धरती अंबर दहलावे जग परलो में कतर नहीं जब कर्ण धनुष ने ठावे एक अर्जुन तो क्या सल्ले जन कितने अर्जुन मर जावे कितने अर्जुन मर जावे इंद्र तक भी हो इंद्र तक भी बेमाने मेरे कर्म के गुणते सल्ले अब मत देर करे रथ मिला मेरा अर्जुन से कीर्तन की क्या ताकत कीर्तन की लड्डन सिंह राज बल धर के चारों कली भजन की महामाई महारानी इज्जत राग सभा में जन की राग सभा में जन की है उम्मीद पार कर देगी हो है उम्मीद पार कर देगी महाभारत के पुनते पल्ले अब मत देर करे रथ मिला मेरा अर्जुन से बार बार तन करण कह क्यों बात मेरी ना सुनते पल्ले अब मत देर करे रथ मिला मेरा अर्जुन से पल्ले अब मत देर करे रथ मिला मेरा अर्जुन से मामा सल्ले से कहते हैं कि मामा इनमें कोई भी मेरा जोड़ नहीं है सिवा अर्जुन के आप मेरा रथ अर्जुन के सामने ले चलिए तो दोस्तों मामा सल्ले करण बलि का रथ अर्जुन के सामने ले जाते हैं और मजाक के मूड में क्योंकि घटोत्कच के मरने पे अमोघ शक्ति जो खत्म हो गई अब करण के पास में रखा ही जाता है सारी चीज तो उसके पास में से हाथ में से निकल चुकी थी तो मामा सल्ले किस तरह से करण को कहते हैं आइए सुनते हैं मच्छर के सामान लगे मन अर्जुन तेरे सामी रे मच्छर के सामान लगे मन अर्जुन तेरे सामी रे वाकई कर्ण बहादुर है तू तो दूर दूर तक नामी रे मच्छर के सामान लगे मन अर्जुन तेरे सामी रे
पत्थर के सामा लग मन अर्जुन तेरे सामी रे। क्या बात है साजो की, दुश्मन के छक्के छूट जा तेरी विकेट मार देखी है, दुश्मन के छक्के छूट जा तेरी विकेट मार देखी है, लड़की परियारण में तरण तेरी आग चार देखी है, हर युद्ध में तेरी जीत हुई ना कहीं हार देखी है, तेरी लड़ाई राजा असल ने तो कई बार देखी है। तेरी होशियारी और प्यारी मारने मस्ती ना से रोकी मरता हमी रे, मच्छर के सामा लग मन अर्जुन तेरे सामी रे, मच्छर के सामा लग मन अर्जुन तेरे सामी। बाबा भी समुद्रों ने मार दिए कोन्या बातें पिछाड़ी, जग परले में कसरे नहीं जब थाले लक्ष्मण दानी, मुंह देखे अर्जुन का तो जा मुश्किल जाने बचानी, मच्छर के सामा लग मन अर्जुन तेरे सामी। तू अर्जुन से रथ मिला और मान कर लिए मन के, तू पारस से युद्ध करिए रहे सामी सलकर्षण के, बोली द्वारा राजा हसल ने मारे माने करण के, लड्डन सिंह राज बल साथी दोनों हैं बचपन के, हम हरदम रटे नाम तेरा रे, हरदम रटे नाम तेरा वो चके अंतरिया मी, मच्छर के सामा लग मन अर्जुन तेरे मच्छर के सामा लग मन अर्जुन तेरे सामी, वाके कर्ण बहादुर है तू तो दूर दूर तक न मीरे, मच्छर के सामा लग मन अर्जुन तेरे सामी, वो तो मच्छर के सामा लग मन अर्जुन तेरे भाती चुपते बोल करण बलि को मार।
मारता है, जोश की अग्नि सी पैदा हो जाती है शरीर में, ज्वाला सी भड़क उठती है, क्रोध के वशीभूत होकर के कर्ण बलि राजा शल्य से कहता है कि मामा शल्य, आप मेरे रथ को अर्जुन के सामने ले जाइए और 100,000 बाण अर्जुन के ऊपर छोड़ता है। तो दोस्तों, इस तरीके से हाल का वर्णन कवि की कलम ने किस तरह कर दिया, ये सुनते हैं। एकदम धनुष हाथ में ठाया, ज्ञान हरि का करके फिर करके कर्ण वीर अर्जुन लड़ते हैं, जान हाथ पे धर के, जान हाथ पे धर के। एकदम धनुष हाथ में ठाया, ज्ञान हरि का करके फिर करके कर्ण वीर अर्जुन लड़ते हैं, जान हाथ पे धर के, बाहर खार हो जा, हद से बाहर खार हो जा। बिल्कुल जोट बराबर की आज कुश्ती और पार हो जा, फिर हो जा। पता नहीं अचरण भूमि में किसकी जीत हार हो जा, किसकी जीत हार हो जा। क्रोध देख के धरती विपत कपण लगी डर के करके कर्ण वीर अर्जुन लड़ते हैं, जान हाथ पे धर के, जान हाथ पे धर के।
पार होवे श्री सतगुरु के रटने से, सतगुरु के रटने से। मारा बार फिर करण बलि ने अर्जुन बच गया कटने से, कटने से होश बिगड़ गए कृष्ण के रथ तीन कदम हटने से, तीन कदम हटने से। लड्डन सिंह चचा राज बल जन्म लिया जन मर के, फिर मर के करण वीर अर्जुन लड़ते हैं जान हाथ पे धर के, जान हाथ पे धर के। एकदम धनुष हाथ में ठाया जान हरि का करके, फिर करके करण वीर अर्जुन लड़ते हैं जान हाथ पे धर के, जान हाथ पे धर के। इस तरह से मेहरबानों दोनों योद्धा युद्ध के अंदर अपनी जान की परवाह किए बिना युद्ध को लड़ते हैं। घमासान लड़ाई होती है क्योंकि दोनों हिरण धीर वीर बराबर की टक्कर के थे। तो श्री कृष्ण जी देखते हैं कि करण बलि अर्जुन के रथ को 3.5 कदम तक पीछे हटा देते हैं, तो तारीफ करते हैं, करण को शाबाशी देते हैं। एक बात के द्वारा इस तरह क्या बताया, अरे थोड़ी है बड़ाई करूं जो दिन रात तेरी ने जन्म्या है जग में खूब करण, तू माँ तेरी ने, तू माँ तेरी ने। थोड़ी है बड़ाई करूं जो दिन रात तेरी ने जन्म्या है को।
कुछ ऐसी मजबूरी। अरे मुश्किल दिखे काम करण तेरा होना जरूरी, तेरी पैसे चले ना कुछ ऐसी मजबूरी। होने देना इच्छा पूरी, होने देना इच्छा पूरी, कर्म कोई चाह तेरी ने जन्मया है जग में खूब करण तू मां तेरी ने बोले मां तेरी ने शाबाश करण को शाबाश करण को शाबाश करण को शाबाश करण को। हटके सो की लगाया बोला हटके सो की लगाया नगर शीका तेरी ने जन्मा है जग में खूब करण तू मां तेरी ने तू मां तेरी ने थोड़ी है बड़ाई करूं जो दिन रात तेरी ने जन्मा है जग में खूब करण तू मां तेरी ने तू मां तेरी ने शाबाश करण को शाबाश करण को शाबाश करण को शाबाश करण को। दोस्तों हालात को देखते हुए अर्जुन मायूस से हो जाते हैं, क्योंकि कृष्ण जी तारीफ कर रहे हैं करण की और शाबाश बता रहे हैं। मायूस होकर के अर्जुन श्री कृष्ण जी से कहते हैं कि महाराज आप करण को शाबाश क्यों दे रहे हो, इसका क्या कारण है, इसका भेद बताइए वरना तो आत्महत्या कर लूंगा। इस तरह की बात अर्जुन कहते हैं। दोनों के सवाल और जवाब किस तरह होते हैं ये सुनते हैं। मरूंगा बतला दो ये भेद खेद है यो अर्जुन को भारी। मरूंगा बतला दो ये भेद खेद है यो अर्जुन को भारी। मरूंगा बतला करण बचा कट जाने से करण को शाबाश क्यों रथ तीन कदम हट जाने से। होगी रात अर्जुन की डंका जब यो डंग है हो तेरी क्या हालात अर्जुन बिगड़ जाएंगे ओस सुन के राज की है बात अर्जुन। और मुंह से बात दूज का कारी। मरूंगा बतला दो ये भेद खेद है यो अर्जुन को भारी। मरूंगा बतला दो ये भेद।
घटा जा करण पता ना किसी को खून बाण को चटा जा करण तीन लोक तीन कदम पाछे ने हटा जा करण अरे बाण ऐसा करके मारा जो सी हो सी मैना करण तलक दस थारी मरूंगा बतला दो ये भेद खेद है यो अर्जुन को बारी मरूंगा बतला दो ये भेद पाछे न अटके बात कहा हृदय मैं धरूं दिया ना दिखाई कुछ भी कैसे मैं यकीन करूं तो देख लो अर्जुन आपको हम दिखाते हैं देखो दिखाई मान बोले हनुमान धब जाके यू परी बल उसका भी झाड़ दिया शेषनाग पहियों पे रथ फिर भी उखाड़ दिया तीन लोक मेरे मुंह के अंदर मुकर्ष ने फाड़ दिया भूल गया ओ सान बाण गिरा पापी गया धनुदारी मरूंगा बदला दो ये दो प्रभु जानते हो खेल जाल माया का रचा दो प्रभु भूलो ना ऐसा न जान मेरी करण से बचा दो प्रभु जीत हार रण में अपने जीत और हार रण में अपने ही कर्म की होगी राज बलि उठाओ बाण बात क्या शर्म की होगी लटन सिंह लड़े जाहरण में जीत तो धर्म की होगी चित चिंता तू मेटी ढेटी करे कहनू करे सन मुरारी मरूंगा बदला दो रहस्य को इस भेद को जब अर्जुन जान लेते हैं तो हाथ जोड़ करके श्री कृष्ण जी के सामने नतमस्तक हो जाते हैं और कहते हैं कि कान्हा मेरी गलती को माफ कीजिए मैंने आप पर खामखा बहम किया इसमें मेरी गलती है और लड़ने के लिए फिर से धनुष बाण उठा लेते हैं। दोस्तों लड़ते लड़ते कर्ण का रथ एक कीचड़ में धस जाता है। बता जाता है कि गऊ हरण के युद्ध में जब गऊओं को घेरते हैं उसमें एक गऊ धस करके मर जाती है और वो करण को श्राप देती है कि करण जिस तरह मैं इस कीचड़ में प्राण त्याग रही हूं आप भी इसी तरह से मौत को पाओगे। दोस्तों वही समय आ जाता है रथ कीचड़ में धस जाता है
और करण मामा शल्य से बार बार कहता है कि मामा मेरे रथ को आगे बढ़ाइए, चारों तरफ को घुमाइए। आप तो एक जगह रथ को थाम करके खड़े हो गए और किस तरह क्या कहते हैं ये सोचते हैं। अरे हाल देख दिल कांप गया, कुछ लगे बात मेरा आज। राजा सल इस करण बलि को तू खोले बता दे आज, कब के बदले ले रहा रोक रथ रण में मेरा, तू कब के बदले ले रहा रोक रथ रण में मेरा। और हाल देख दिल कांपया, कुछ लगे बात मेरा आज। राजा सल इस करण बलि को तू खोले बता दे आज, तू कब के बदले ले रहा रोक रथ रण में मेरा, तू कब के बदले ले रहा रोक रथ रण में मेरा। रोके खड़ा हुआ मेरा हुई मुश्किल जाने बचानी, मेरे बन से पानी चफेरा भगवान भला कर तेरा, भगवान भला कर तेरा, दुनिया में तू धोखे बाज, तू कब के बदले ले रहा रोक रथ रण में मेरा, तू कब के बदले ले रहा रोक रथ रण में मेरा। और हाल देख दिल कांपया, कुछ लगे बात मेरा आज। राजा सल इस करण बलि को तू खोले बता दे आज, तू कब के बदले ले रहा रोक रथ रण में मेरा, तू कब के बदले ले रहा रोक रथ रण में मेरा। क्या बात है उसका जो भी संसार जो धोखा शख्स करे है, उसे थूके है संसार जो धोखा शख्स करे है। वो तेरे भांजे पांडव तू उनका पक्ष करे है, कबके बदले ले रहा रोक रथ रण में मेरा, तू कब के बदले ले रहा रोक रथ रण में मेरा। और हाल देख दिल कांपया, कुछ लगे बात मेरा आज। राजा सल इस करण बलि को तू खोले बता दे आज, तू कब के बदले ले रहा रोक रथ रण में मेरा, हो तू कब के बदले ले रहा रोक रथ रण में मेरा। दिल में चावे लगे हैं, बोला मेरी हार से तेरे
गण दिल में चावे लगे हैं, मेरी ओर से तेरे सल बदले भावे लगे हैं। बोला मेरी ओर से तेरे सल बदले भावे लगे हैं, पारे नेम की नावे लगे हैं, जाडू भी जुलम का जहाज तू कब के बदले ले रहा। रोक रथ रण में मेरा हो तू कब के बदले ले रहा, रोक रथ रण में मेरा। मुझे लगी फिरे ती भूल, मैं तो आज बात को जाना। मुझे लगी फिरे ती भूल, मैं तो आज बात को जाना। सो दुश्मन का दुश्मन ना होया दिन बिराना, बोला सो दुश्मन का दुश्मन ना होया दिन बिराना। लडन सिंह राजपाल गाना सुनना है बेसाज कब के बदले ले रहा, रोक रथ रण में मेरा हो तू कब के बदले ले रहा, रोक रथ रण में मेरा। हर हाल देख दिल कांप या कुछ लगे बात में राज, मामा सल इस करण बलि पद खोले बता दे आज तू कब के बदले ले रहा, रोक रथ रण में मेरा हो तू कब के बदले ले रहा, रोक रथ रण में मेरा। तरह से प्रेमी दोस्तों अर्जुन करण युद्ध का ये पहला भाग आप सोनू टैक कैसेट के माध्यम से सुन रहे हैं, जिसके गायक कलाकार महाशय सतपाल दोसा, मैनपाल बसेड़ा हरिद्वार और संगीत पे जाने माने कलाकार साथ दे रहे हैं, मास्टर हंसराज बस्तीराम तूफान एंड पार्टी। दोस्तों संगीतकारों से या गायकों से या लेखक से रिकॉर्डिस्ट से कोई गलती हो तो उसके लिए क्षमा चाहूंगा। जय हिंद। आगे की रागिनी आप भाग दो में सुनिए।